तीन चार डेफिनेशन लिखने के बाद आप नीचे अपना एक निचोड़ लिख सकते हैं कि मेरे हिसाब से स्टेट लोगों का एसोसिएशन होता है जो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए बनाया गया है अब अगर आपसे बात की जाए एसेंशियल्स ऑफ स्टेट की तो स्टेट के एसेंशियल में सबसे पहला एसेंशियल है पॉपुलेशन बिना पॉपुलेशन के कोई स्टेट नहीं होता तो पॉपुलेशन इज द मेन फीचर ऑफ ए स्टेट लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ बोथ सेक्सेस होने चाहिए मेल फीमेल बच्चे सब होने चाहिए वहाँ पर कोई फिक्स नंबर नहीं होता किसी भी स्टेट का सेकेंड फीचर इज टेरिटरी टेरिटरी होनी बहुत जरूरी है टेरिटरी का मतलब है एरिया अंडर द कंट्रोल ऑफ़ द स्टेट उस स्टेट के अंडर कोई एरिया होना ज़रूरी है ऑन एन होल पोर्शन लैंड बिलोंगिंग्स वो सब इसमें आता है नोमैडिक ट्राइब कैन नॉट बी डेजिग्नेटेड एज अ स्टेट अगर कोई नोमैडिक ट्राइब चल रहा है तो उसको हम स्टेट नहीं बोल सकते स्टेट एक डेफिनेट एरिया होता है जहाँ पर लोग फिक्स होते हैं थर्ड फीचर इज गवर्नमेंट गवर्नमेंट इज वॉट गवर्नमेंट में बी कॉल्ड एज अ बॉडी ऑफ पर्सन जहाँ पर वो नियम कानून बनाते हैं स्टेट के लिए फंक्शन करते हैं उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं उनके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं ये सब होना चाहिए वहाँ पर और उसके तीन ऑर्गन्स होते हैं लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी फोर्थ फीचर इज सोवरेनिटी सोवरेनिटी स्पेसिग्निफाइज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ डिस्पोजिशन एंड कंट्रोल विच ईच स्टेट हैज ओवर इट्स टेरिटरी एंड फ्रीडम फ्रॉम कंट्रोल एक्सटर्नल एक्सटर्नल कंट्रोल के अंडर नहीं है आपकी जगह तो वो स्टेट है आपके अपने इंडिपेंडेंट हाथों में है सुप्रीम कोर्ट वहां का जो है रक्षक है और सोवरेनिटी जो है सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट भी है फ्रीडम का फिफ्थ एंड लास्ट फीचर इज कैपेसिटी टू एंटर इंटू रिलेशन विद अदर स्टेट्स हर स्टेट में एक फीचर होता है कि उसका दूसरे स्टेट के साथ रिलेशनशिप बनाना बनाने की कैपेसिटी होती है उसके अंदर वो एलिजिबल होता है किसी दूसरी स्टेट के साथ कलेबोरेट करने के लिए तो ये हमारे स्टेट और उसके पाँच फीचर्स हैं क्या कहा है मैंने स्टेट एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है एक एसोसिएशन ऑफ पीपल होता है जो कि इकट्ठे मिलते हैं और अपने मीन्स और अपने एंड्स को पूरा करते हैं इसके पाँच फीचर हैं पॉपुलेशन सोब्रैनिटी टेरिटरी गवर्नमेंट एंड कैपेसिटी टू बिल्ड रिलेशन विद अदर स्टेट ये क्वेश्चन आपको हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा शॉर्ट में नहीं आएगा तो प्रिपेयर इट फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन मेक इट श्योर कि आप इसको अच्छे से रेडी करें थैंक यू